स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे फैक्टर्स और मल्टीपल्स को। अभी हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर कुछ मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट मैथ, इज 34 अ फैक्टर ऑफ 852? ऐसा अगर मैथ होगा तो तुमको ये लॉन्ग डिविजन करके देखना पड़ेगा। क्या हम बताए थे कि अगर ये नंबर इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो विदाउट एनी रिमाइंडर, तब क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकेंगे कि इसका फैक्टर है, ठीक है? तो अभी हम लोग इसको लॉग डिविजन करके ही देखेंगे। टू, देखो यहाँ पे टू रिमाइंडर है, यानी क्या ये 34 से 852 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे टू रिमाइंडर रह जा रहा है। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि 852 इज नॉट कंप्लीटली, इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 34, सो 34 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 852। ओके, ये बात लिखना है तभी फुल मार्क्स आएगा। अच्छा, मेक पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखो को प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे जो है नंबर इसी को, इसी के साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 15 का क्या क्या फैक्टर होता है। 15 का 1, 2, 3, 5 and 15, ओके। 21 का क्या क्या फैक्टर्स होता है, 1, 3, 7, 21। 16 का क्या, 1, 2, 3, 4, 8, 16, ओके। एंड 11 का क्या, 1 or 11 और नहीं, बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर, ओके। तो को प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, को प्राइम नंबर हम लोग बोलेंगे उसी नंबर को जिसमें कॉमन फैक्टर, जिस दो नंबर पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली वन, ओके, सिर्फ वन होगा, कोई अदर्स का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों को कोप्राइम का क्या पेयर बनाना है, तो पहले 15 और 21 को लेते हैं। क्या 15 और 21 कोप्राइम नंबर है? तो देखो 15 में क्या क्या उसका फैक्टर्स है ये, 21 में क्या क्या उसके फैक्टर्स है ये, यहाँ पे फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, ऐसे इक्वल से नहीं लिख सकते हैं। हाँ, फैक्टर्स ऑफ 15 दिस फैक्टर ऑफ 21 दिस, ऐसे ये समझने के लिए मैंने लिखा है। तो देखो इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1, 3, तो एक से ज्यादा हो गया ना कॉमन फैक्टर, तो फिर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो 15 और 21 ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, तो इन दोनों का पेयर हम लोग नहीं बना सकते। अच्छा, अभी 15 और 16 को सोचते हैं। 15 का देखो फैक्टर्स क्या क्या है, 15 का फैक्टर्स और 16 का, 16 का ये और 15 का ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, 1, और कॉमन क्या है इसका, 3, 5, 15, इसका 2, 4, 8, नहीं, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 और 16 जो है ये को प्राइम नंबर है, ठीक है? ओके, को प्राइम नंबर से। अच्छा, तो इसका को प्राइम का, और देखो क्या है यहाँ पे, 21 और 11 का सोचो, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? 21 का फैक्टर्स देखो ये, 11 का फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, और कुछ है कॉमन, नहीं है, तो 21 और 11 जो है ये भी को प्राइम नंबर है। तो हम लोगों ने को प्राइम नंबर क्या सीखा, जब दो नंबर में कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ वन और कोई नहीं, तब हम लोग वो दो नंबर को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को प्राइम नंबर्स का पेयर बनाने के लिए बताया गया था, तो हम लोगों को क्या निकला, 15 एंड 16 को प्राइम नंबर्स, 11 एंड 21 को प्राइम नंबर्स, ठीक है? और मल्टीपल्स तो मैंने पहले ही बताए थे, अगर एक ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करोगे,
write first five multiples of 11. 11 का first five multiples कैसे करेंगे हम लोग? थ्री फोर फाइव निकल गया, फाइव मल्टीपल्स. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ इलेवन आर इलेवन कॉमा ऐसे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के और कुछ थोड़ा हार्ड और हार्ड मैथ कुछ करेंगे. ठीक है, जो कि थोड़ा और लेंदी भी होगा, उसको कितना इजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे. ओके, थैंक यू.